गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 में आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है तंत्रिका कोशिका की संरचना। हम आपको इसमें जंतुओं में समन्वय बता रहे थे, तो उसमें हमने आपको तंत्रिकी समन्वय बताया था। और तंत्रिकी समन्वय में, अब क्योंकि वो तंत्रिकी समन्वय था तो उसमें तंत्रिका कोशिका भी आती है, तो तंत्रिका कोशिका के विषय में जानेंगे। तो वही आज का टॉपिक है, तंत्रिका कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक, या नर्व सेल। चाहे नर्व सेल कहें या न्यूरॉन कहें, बात एक ही है, ठीक। तो चलिए जानते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं तंत्रिका कोशिका की संरचना। देखिए, तंत्रिका कोशिका की संरचना को जानने से पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर जान लेते हैं इसकी। देखिए, जो तंत्रिका कोशिका है वो तीन भागों से मिलकर बनी होती है। नंबर एक साइटॉन, ठीक, कौन? नंबर एक साइटॉन, नंबर दो डेंड्राइट, नंबर तीन एक्सॉन। तो ये तीन भाग होंगे तंत्रिका कोशिका में, ये तीन भाग मेन होते हैं, मुख्य तीन भाग होते हैं। नंबर एक साइटॉन, नंबर दो डेंड्राइट डेंड्रॉन्स, और नंबर तीन एक्सॉन, ठीक। तो इस प्रकार से तीन भाग मेन होते हैं। तो पहला देखिए, साइटॉन क्या होता है? जो सबसे वो पहला जो भाग होता है कोशिका का, तंत्रिका कोशिका का, जो गोल या अंडाकार भाग होता है। साइटॉन कैसा होता है? या तो ये गोल होगा, जैसा कि मैंने बनाया है, गोल या अंडाकार होता है, अंडाकार होगा, ठीक। तो जो साइटॉन होता है ये गोल या अंडाकार होगा। इसमें क्या होगा? बीच में केंद्रक है, दिखाई दे रहा है, बीच में केंद्रक है। इसमें क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें? कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। और इसमें ये देख रहे हैं आप, कण देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल देख रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं? निसल कण कहते हैं। क्या बोलते हैं? निसल कण बोलते हैं। अब ये तो हो गया इसके अंदर, बाहर देखते हैं। अब नंबर दो आता है डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन्स, ठीक। डेंड्रॉन्स क्या होते हैं? तो देखिए, डेंड्रॉन्स क्या है कि कोशिका का, मतलब साइटॉन जो है, साइटॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका का है। देखिए, जो साइटॉन है गोल सा या अंडाकार सा, तो उससे उंगली जैसे प्रवर्ध निकले होते हैं। किससे? अंगुली जैसे प्रवर्ध निकले होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स बोलते हैं। और डेंड्रॉन्स से छोटे छोटे प्रवर्ध निकले होते हैं, जिनका बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो नंबर दो भी हो गया। नंबर तीन क्या आता है? एक्सॉन। तो देखिए, ये गोल सा अंडाकार सा भाग क्या है? साइटॉन है ये। तो साइटॉन से एक लंबा दिखाई दे रहा है, साइटॉन से एक लंबा, ठीक, मोटा प्रवर्ध निकलता है, ठीक। जैसे ये प्रवर्ध है वैसे ये भी प्रवर्ध है। तो साइटॉन से एक लंबा मोटा प्रवर्ध निकलता है, जिसे क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन पे होते क्या क्या है? एक्सॉन पर जो है न्यूरिलेमा झिल्ली होती है, ठीक। ये जो झिल्ली होती है काय की होती है? न्यूरिलेमा झिल्ली होती है। ये बीच बीच में कहीं कहीं पर जो होती छोटी होती है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेनवियर के नोड बोलते हैं। देखिए, यहां पर जो है न्यूरिलेमा झिल्ली नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। तो जहां पर न्यूरिलेमा झिल्ली नहीं है उसको क्या बोलेंगे? रेनवियर के नोड बोलेंगे, ठीक। और जो जहां पर न्यूरिलेमा झिल्ली होती है वहां पर वसा एकत्र होती है, जिसको क्या बोलते हैं? माइलिन सीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन सीथ बोलते हैं। माइलिन सीथ में छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, जिनको श्वान कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वान कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वान कोशिका। तो जो एक्सॉन है, एक्सॉन पर जो आगे एक दूरस्थ भाग पर अंगुली जैसा प्रवर्ध होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। और टीलोडेंड्रिया से जो अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं उन पर छोटी छोटी घुंडियां लगी होती हैं, जिनको सिनेप्टिक घुंडियां कहते हैं। तो ये हम लोग चित्र जान लिया। बस अगर हम लोग चित्र समझ गए तो समझ लीजिए, फिर लिख जाएगा। तो कैसे, जो चित्र में है बस वही लिखना है हमको। तो चलिए आइए जानते हैं पहला कि तंत्रिका कोशिका की संरचना कैसी है। तो देखिए, जो तंत्रिका कोशिका होती है वो 1.5 से 2 मीटर तक लंबी हो सकती है। मतलब तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी हो सकती है? तो 1.5 मीटर से 2 मीटर तक लंबाई हो सकती है इसकी। और इस प्रकार से जो तंत्रिका कोशिका होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। हमारे जे या जंतुओं की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। तो तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी होती है, ठीक। तो प्रत्येक तंत्रिका कोशिका तीन भागों से मिलकर बने होते हैं। नंबर एक कोशिका का या साइटॉन, बताई चुकी आपको कोशिका का या साइटॉन। नंबर दो
डेंड्रॉइट, ठीक, या हमने यहाँ पर डेंड्र जो है लिख दिया है डेंड्रॉन्स, ठीक। और नंबर तीन है एक्सॉन, ठीक। नंबर तीन क्या लिख दिया है हमने, एक्सॉन। तो ये तीन भागों से मिलकर बना होता है, यहां पर डेंड्रॉन्स कर लेंगे हम, ठीक। तीन भागों से मिलकर बना होता है। अब पहला भाग देखते हैं, पहला क्या है, कोशिका या साइटॉन। तो देखिए कोशिका का साइटॉन क्या होता है, नंबर एक, ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये गोल दिखाई दे रहा है, तो ये गोल या अंडाकार होता है। देखिए सब कुछ इसी में चित्र में है, ये गोल कैसा है, गोल या अंडाकार है, तो ये गोल अंडाकार होता है। इसके मध्य में एक बड़ा केंद्रक है, तो देखिए इसके मध्य में एक बड़ा केंद्रक होता है, तथा इसके चारों ओर कोषाद्रव्य, देखिए इसके अंदर क्या भरा हुआ है, कोषाद्रव्य भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। कोषाद्रव्य में प्रोटीन के अनेक सूक्ष्म कण होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, निसर्ग कण कहते हैं। तो ये हमारा साइटॉन खत्म हो गया, कुछ नहीं है। क्या चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये गोल या अंडाकार है, ठीक। इसके मध्य में एक बड़ा केंद्रक है, इसमें कोषाद्रव्य भरा हुआ है, इसमें प्रोटीन के सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें निसर्ग कण कहते हैं। पहला टॉपिक खत्म। दूसरा क्या आता है, डेंड्रॉन्स। क्या होते हैं डेंड्रॉन्स, तो देखिए कोशिका काय से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं। कोशिका, ये देखिए कोशिका काय क्या है, साइटॉन। चाहे हम साइटॉन कहें चाहे कोशिका काय कहें, बात एक ही है। तो कोशिका काय से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं, देखिए प्रवर्ध निकले हुए हैं, अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें डेंड्रॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें डेंड्र, जिन्हें कोशिका काय से अनेक प्रवर्ध निकले थे, जिन्हें क्या कहते हैं, डेंड्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्रॉन्स। देखिए कोशिका काय से अनेक प्रवर्ध निकले थे, जिसे क्या कहते हैं, डेंड्रॉन्स कहते हैं। कोई दिक्कत बताओ, कोशिका काय है ये, इससे अनेक प्रवर्ध निकले हुए हैं, इनको क्या कहा गया, डेंड्रॉन्स कहा गया। फिर प्रत्येक डेंड्रॉन से अनेक पतले प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें डेंड्रॉइड्स कहा गया। देखिए ये प्रवर्ध है, डेंड्रॉन्स है, इनसे छोटे छोटे प्रवर्ध निकले हुए, जिन्हें क्या कहा गया, डेंड्रॉइड्स कहा गया, वही लिखा हुआ है यहां पर। अन्य तंत्रिका कोशिकाएं इन डेंड्रॉइड्स से सिनेप्स द्वारा जुड़ी होती हैं। देखिए जहां पर ये प्रवर्ध निकले वैसे यहां पर ये प्रवर्ध है, तो ये प्रवर्ध से देखिए सिनेप्स द्वारा दूसरी यहां पर और जो तंत्रिका कोशिका होगी वो यहां पर आकर दूसरी तंत्रिका कोशिका आकर इससे सिनेप्स द्वारा जुड़ जाती है आकर, ठीक। तो दूसरी कोशिका पहली कोशिका से किससे जुड़ती है, तो सिनेप्स द्वारा जुड़ती है। किसके द्वारा जुड़ती है, सिनेप्स के द्वारा जुड़ती है। तो ये था दूसरा टॉपिक, डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स एवं डेंड्राइट्स था, तो आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा था एक्सॉन। तीसरा क्या है, एक्सॉन। तो देखिए साइटॉन से एक लंबा मोटा प्रवर्ध निकलता है, देखिए साइटॉन है, साइटॉन से क्या निकला, एक लंबा मोटा प्रवर्ध निकलता है, जिसे क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के चारों ओर न्यूरिलेमा झिल्ली, न्यूरिलेमा नामक झिल्ली होती है। तो एक्सॉन के चारों ओर एक झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूरिलेमा। एक्सॉन के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं, न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा तथा एक्सॉन के बीच वसा का बना आच्छद होता है, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। देखिए न्यूरिलेमा झिल्ली और एक्सॉन, देखिए ये है न्यूरिलेमा झिल्ली और ये है एक्सॉन, इसके बीच में ये क्या भरा हुआ है, वसा भरी है। क्या भरी है, वसा भरी है, तो इसको क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं, या थोड़ी थोड़ी दूर पर टूटा होता है। तो देखिए न्यूरिलेमा झिल्ली टूटी है, देखिए यहां तक आई, फिर यहां पर ये नहीं है, फिर यहां पर आई, फिर यहां पर नहीं है। तो इस प्रकार से जो न्यूरिलेमा झिल्ली होती है वो बीच बीच में टूटी होती है, ठीक। इन स्थानों को क्या कहते हैं, रैनवियर के नोड कहते हैं। देखिए मैंने दिखा दिया इसको, क्या लिखा हुआ है यहां पर, रैनवियर के नोड कहते हैं। एक्सान के अंतिम सिरे पर घुंडी जैसी रचनाएं होती हैं। देखिए ये एक्सान है, एक्सान का ये अंतिम सिरा है, अंतिम सिरे पर क्या है, घुंडी जैसी रचनाएं हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें सिनेप्टिक घुंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक घुंडिया कहते हैं। इन्हीं घुंडियों से दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी थी। अभी हमने आपको बताया था कि जो ये सिनेप्टिक घुंडिया है इनसे क्या होता है, इनसे दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ती है। तो देखिए एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से किस प्रकार से जुड़ती है, सिनेप्टिक घुंडियों द्वारा। तो इस प्रकार से पहला आपने साइटॉन देख लिया, नंबर दो आपने डेंड्रॉन्स एवं डेंड्राइट्स देख लिया, तीसरा क्या था, एक्सॉन देख लिया। तो इस प्रकार से तीनों जब टॉपिक पूरे हो जाते हैं तब आपका पूरा हो जाता है तंत्रिका कोशिका की संरचना। तो इसमें अगर आपको फिगर पता होगा, अगर आप फिगर जानते होंगे तो आप पूरा तंत्रिका कोशिका ऐसे ही लिख डालेंगे, ठीक। तो सबसे ज्यादा फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाइए, इसका अभ्यास करिए, फिगर अच्छा बनाना है, ठीक। और अगर फिर भी आपको लगे कि कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।